ओम शांति। आज 29/6/2022 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज मीठी मीठी प्यारे प्यारे शिव बाबा ने अपने मीठी मीठी प्यारे प्यारे बच्चों से कहा, मीठे बच्चे तुम्हें किसी से भी जास्ती डिबेट नहीं करनी है, सिर्फ बाप का परिचय सबको दो। प्रश्न है, बेहद के बाप को मातेले बच्चे भी हैं तो सौतेले भी हैं, मातेले कौन? उत्तर में बाबा ने कहा, जो बाप के श्रीमत पर चलते हैं, पवित्रता की पक्की राखी बांधी हुई है, निश्चय है कि हम बेहद का वर्षा लेकर ही रहेंगे। ऐसे निश्चय बुद्धि बच्चे मातेले बच्चे हैं, और जो मनमत पर चलते, कभी निश्चय कभी संशय प्रतिज्ञा करके भी तोड़ देते हैं, वह हैं सौतेले। सपूत बच्चों का काम है बाप की हर बात मानना। बाप पहली मत देते हैं, मीठे बच्चे अब प्रतिज्ञा की सच्ची सच्ची राखी बांधो, पवित्रता की प्योरिटी के शक्तिशाली एकदम निर्विकल्प संकल्प पवित्रता के धारण करने हैं, तो विकारी वृत्ति को समाप्त करना है, यही सच्ची राखी है। गीत है जाग सजनिया जाग। अब कौन है सजनिया? आत्मा। आत्मा को जगाने की बात है। ओम शांति। बच्चों ने गीत का अर्थ तो समझ लिया, नई सृष्टि नया युग और पुरानी सृष्टि पुराना युग। पुरानी सृष्टि के बाद आती है नई सृष्टि। नई सृष्टि की रचना परमपिता परमात्मा ही करते हैं, फिर उसको ईश्वर कहो व प्रभु कहो, उनका नाम भी जरूर कहना पड़े। सिर्फ प्रभु कहने से योग किससे लगाएं, किसको याद करें? मनुष्य तो कहते उसको नाम रूप देश काल है नहीं। अरे उनका शिव नाम तो भारत में बाला है, जिसके शिवरात्रि मनाई जाती है, उनको बाप कहा जाता है। जब बाप का परिचय हो तब बाप से बुद्धि योग लगे। किसी से जास्ती डिबेट करना भी फालतू है, पहले पहले बेहद के बाप का परिचय देना है। वह मनुष्य सृष्टि कैसे कब और कौन सी रचते हैं? लौकिक बाप तो सतयुग से लेकर कलयुग के अंत तक मिलता ही रहता है। जितने शरीर बदलते हैं उतने ही पिता मिलते हैं, तो परंतु याद फिर भी पारलौकिक बाप को किया जाता है। वह है परम धाम में रहने वाला पिता। परम धाम कभी स्वर्ग को नहीं कहा जाता, और ना ही परम धाम स्वर्ग को समझना नहीं। सतयुग तो यहाँ का धाम है, परम धाम है वह जहाँ परम पिता परमात्मा और आत्माएं निवास करती हैं। अब जबकि सभी आत्माओं का बाप स्वर्ग का रचयिता है, तो फिर बच्चों को स्वर्ग की राजाई क्यों नहीं है? हाँ, स्वर्ग की बादशाही कोई समय थी जरूर। नई दुनिया का नया युग था, अभी पुरानी दुनिया पुराना युग है। यह रावण राज्य है, राम राज्य खत्म होता तब द्वापर से रावण शुरू हो जाता। बाप ने तो स्वर्ग रचा, अब नर्क बन गया है, तो कौन बना कर गया? रावण, विकार, पांच प्रकार, पांच नर के, पांच नारी के, तो 10 शीर्ष दिखाए रावण के, तो पांच पांच विकार दोनों के, ऐसे अब नर्क बन गया। द्वापर में जब वाम मार्ग में देवी देवता गिरती, कामचित्ता पर बैठ आत्मा काली बनती, तो काली एकदम नहीं बन जाती, धीरे धीरे सीढ़ी उतरते, धीरे धीरे तमो प्रधानता से फिर अब बिल्कुल भरपूर हो गए, है ना? पूरे विश्व में व्याप्त है रावण पांच विकार। अच्छा, तो नर्क किसने बनाया और कब बनाया? माया रावण ने नर्क बनाया। भारतवासियों को तो यह ज्ञान देना बहुत सहज है, क्योंकि भारतवासी ही रावण को जलाते हैं, सिर्फ अर्थ नहीं समझते हैं। भगत सब भगवान को याद करते हैं, परंतु उनका पता ना होने के कारण कह देते कि वह सर्वव्यापी है, नाम रूप से न्यारा है, बेअंत है, उनका अंत नहीं पाया जाता है। इसलिए सभी मनुष्य मात्र ना उम्मीद और ठंडे हो गए हैं, ठंडे भी होना ही है। तो उनके आने का स्वर्ग रचने का टाइम भी हो। अब बाप कहते हैं कि मैं फिर से आया हूँ, कल्प पहले आया, अब कल्प मैं फिर आया हूँ। भक्तों को भगवान से फल तो जरूर मिलना है, मिलता ही रहेगा।
भगवान को यहाँ ही आकर फल देना है, क्योंकि सब पतित है, वहां तो पतित जा ना सके। अब पावन दुनिया में तो मैं आऊंगा नहीं, आकर पतितों को ही पावन बनाऊंगा, इसलिए मुझे ही आना पड़े। मेरा आह्वान करते हैं भक्तों को चाहिए भगवान, भगत वो जो याद करती है आत्मा, भगवान वो जिसे याद करते हैं परमात्मा, हम सब का पिता। अब भगवान से क्या मिलेगा चाहिए, समझना है ना, क्या मिलेगा? मुक्ति, जीवन मुक्ति। सबको नहीं देंगे, जो मेहनत करेंगे उन्हों को देंगे। इतनी कठोर आत्माएं वर्षा पाएंगी क्या? यदि इन कठोर आत्माओं को वर्षा ही पाना होता तो हूबहू ड्रामा चलता रहता, सतयुग कलयुग की कोई बात ही नहीं होती। यदि इतने ही सारे के सारे सतयुग में आ जाते तो फिर ये ड्रामा ही नहीं रचा होता, है ना। तो समझने की बातें हैं, वहाँ तो बहुत थोड़े होते हैं सत्व प्रधान आत्माएं, पुण्य आत्माएं, है ना। तो बाबा कहते हैं इतनी करोड़ आत्माएं वर्षा पाएंगी क्या? जब कोई आवे तो बोलो बाप है स्वर्ग का रचयिता, हम अनुभवी हैं, हम अभी भगवान को ढूंढ नहीं सकते, उनको तो अपने टाइम पर आना है। अब हमने भी पहले बहुत तलाश की परंतु मिला नहीं। जब तप तीर्थ आदि की बहुत ढूंढा परंतु मिला नहीं। उनको तो अपने समय पर परम धाम से आना है। आदि सनातन देवी देवता और धर्म को जरा से जन्म भी लेना पड़े। पांच वर्ण भी मशहूर हैं, अभी है शूद्र वर्ण, उनके बाद ब्राह्मण वर्ण। वर्णों पर भी अच्छी रीति समझाना है। विराट रूप में भी वर्ण होते हैं, ब्राह्मणों का भी वर्ण है, उन्हों को पता नहीं है तो पहले पहले परिचय देना है कि बाप है स्वर्ग का रचयिता और हम हैं ब्रह्म कुमार कुमारियां। बाप आकर ब्राह्मण रचे तब तो हम देवता बने, प्रजापिता ब्रह्मा नाम है तो ब्रह्मा मुख द्वारा ब्राह्मण रचते हैं। ब्राह्मण का बाप है शिव बाबा, गोया यह ईश्वर का कुल है। जैसे कृपलानी कुल वासवानी कुल होता है, वैसे इस समय तुम्हारा है ईश्वरीय कुल, तुम हो उनकी औलाद जो सच्चे ब्राह्मण हैं, जिन्होंने पवित्रता की प्रतिज्ञा की है। भर बच्चे तो सभी हैं, परंतु उनमें भी कोई मातेले हैं, कोई सौतेले हैं। मातेले जो हैं उन्हों को तो पवित्रता की राखी बांधी हुई है, राखी बंधन का त्योहार भी है ना। सब इस संगम युग की बातें हैं, दशहरा भी संगम युग का है। विनाश के बाद फट से दीपावली आती है, सबकी ज्योति जग जाती है। कलयुग में सबकी ज्योति बुझी हुई है, जैसे ही रावण विनाश होता है वैसे ही क्या होता है, फट से क्या जल जाती है। दिवाली कैसे मनाते हैं, दिया आदि जलाते हैं ना, तो यहाँ आत्म रूपी दिए को बात बाबा ने कहा है कि आत्म रूपी दिया जो बुझी हुई ज्योति है ना, अब सोझरे में जाएगी, तो जैसे ही रावण राज्य खत्म होगा वैसे ही दिवाली आ जाएगी। दशहरे में रावण को जलाते हैं ना, तो रावण कौन, पांच विकार, वो ज्ञान योग अग्नि में है ना, ज्ञान है बाबा ने दिया, फिर जो हमें याद की अग्नि से है ना, ये सब विकार दग्ध करने हैं रावण को, फिर आती है दिवाली है ना, क्योंकि हमारी उस समय फिर खुशियां ही खुशियां, उजाला ही उजाला, ज्योति जल ही रहती है। तो विनाश के बाद फट से दिवाली आती है, सबकी ज्योत जग जाती है। कलयुग में सबकी ज्योत बुझी हुई है, एकदम नहीं नहीं बुझती, नहीं तो फिर रहे क्यों। तो अब बाप को खिवैया भगवान भी कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर को खिवैया व भगवान नहीं कहेंगे। बाप आकर अपने बगीचे में अपने बच्चों को देखते हैं, उस नोन में कोई गुलाब है, कोई चंपा, कोई लिली फ्लावर है, हर एक में ज्ञान की खुशबू है। तुम अब कांटे से फूल बन रहे हो, यह है कांटों का जंगल, कितना झगड़ा महामारी आदि है, क्योंकि सब नास्तिक हैं, परमात्मा को जानते ही नहीं तो नास्तिक ही कहलाए। निधन के हैं, धनी है नहीं जो उनको मत दे और धनी का बनावे, धनी को कोई जानते नहीं जो धन को धनी के बनावे, उन्हें तो सब भूल गए ना, तो धनी को जरूर आना पड़े ना, तो बाप आकर धन का बनाते हैं। मनुष्य
चाहते भी हैं कि एक धर्म एक राज्य हो, पवित्रता भी हो, विश्व में शांति भी हो। अब कैसे हो जब तक शांति का सागर ना आए। तो सतयुग में एक धर्म था ना, अब तो दुख धाम है। अब तुम ब्राह्मण वर्ण में ट्रांसफर हुए हो, फिर देवता वर्ण में जाएंगे, फिर इस पतित सृष्टि पर आएंगे, नहीं दोबारा नहीं आएंगे, आएंगे कल्प बाद, द्वापर से शुरुआत हो जाती है। तो भारत है सबसे उच्च खंड। अगर गीता को खंडन नहीं करते तो वह भारत कौन कहलावे। शिव के मंदिर में जाते हैं ना, वह है बेहद के बाप का मंदिर, क्योंकि बाप ही सदगति दाता है। निधन को अर्थात अनाथों को आकर धन का बनाते हैं। अब बातें बाप के सिवाय और कोई समझा ना सके, और वह सब है भक्ति सिखलाने वाले। वहां तो ज्ञान की बात है नहीं, ज्ञान सागर सदगति दाता एक ही है। मनुष्य कब सदगति के लिए गुरु बन ना सके, मनुष्य मनुष्य की सदगति कैसे करा सकता है ना। तो ऐसे तो कोई हुनर सिखलाने वाले को गुरु कह देते हैं, परंतु वह गुरु सारी सृष्टि की सदगति कर नहीं सकते। भल कहते हैं कि हमको साधु आदि से शांति मिलती है, परंतु अल्पकाल के लिए। फिर सन्यासी कहते हैं कि स्वर्ग का सुख तो कागविष्टर के समान है। फिर सन्यासियों द्वारा जो शांति मिली वो भी कागविष्टर के समान ही होगी। मुक्ति तो देते नहीं है ना, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता तो एक बाप ही है। श्री कृष्ण से सभी का बहुत प्यार है, परंतु उसको पूरा जानते नहीं है। अब बाप समझाते हैं कि सतयुग में कृष्णपुरी थी, अब तो कंसपुरी हो गई है। अब बाप आकर फिर कृष्णपुरी बनाते हैं, फिर आधा कल्प के बाद रावण राज्य नरक बन जाता है। आधा कल्प है सुख, आधा कल्प है दुख। ठीक वैसे ही जैसे 15 दिन शुक्ल पक्ष और 15 दिन कृष्ण पक्ष होता, तो अभी ये कृष्ण पक्ष है ना। फिर सुख की जो दुनिया होती है उसे शुक्ल पक्ष कहते। तो सुख का समय जास्ती है, परंतु सुख दुख का खेल तो चलता रहता है। इसको सृष्टि चक्र कहा जाता है, बाहर जीत का खेल कहा जाता है। सन्यासी समझते हैं कि हम मोक्ष को पा लेंगे, परंतु मोक्ष को कोई पा नहीं सकते। इस राज को कोई जानता नहीं है, मुक्ति और जीवन मुक्ति बाप के सिवाय कोई दे ना सके। तुम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो ना, यहाँ तो देखो दुख ही दुख है। अब हम बाप की मदद करते, मदद से स्वर्ग बना रहे हैं। बाप हमसे मदद लेते और हम बाप के मददगार हैं, लेकिन बाप को तो कुछ स्वर्ग में जाकर के राजाई नहीं करना है, हम बच्चों को ही करनी है। तो बाप की मदद से स्वर्ग बना रहे हैं, फिर हम ही मालिक बन राज्य करेंगे और बाकी सबको मुक्ति धाम में भेज देंगे। वह फिर अपने समय पर आएंगे, आते रहेंगे। जब भी वह उतरेंगे तो पहले सुख में आएंगे, फिर दुख में। ऐसे नहीं कि आते ही सो दुख में आ जाते हैं ना। तो भक्ति मार्ग में जप तप माला आदि फेरते हैं ना। कहते भी हैं कि एक को याद करना चाहिए। भल भक्ति में भी हम थे तो बोलते ना, इष्ट को याद करो, किसी एक को मानो, है ना। तो इसमें देह अभिमान को छोड़ना पड़े। जब हम परमात्मा से जुड़ते तो सबसे पहली बात तो परमात्मा यही कहते हैं कि मैंपन से बाहर आओ, मैं कौन कहने वाली हूँ उसे जानो। अंदर बैठी एक आत्मा है उसे पहचानो, ये शरीर भी तुम्हारा नहीं है। तो देह के अभिमान में मत रहो, बाबा यही दिलाते हैं याद आकर के। इसमें देह अभिमान को छोड़ना पड़े, परंतु कोई छोड़ता नहीं है। बाप कहते हैं कि अब सभी को वापस जाना है। बाप बच्चों से ही बात करते हैं, आत्मरूपी बच्चों से। बच्चों में भी कोई सौतेले हैं तो कोई मौतेले हैं। सौतेले वह हैं जो पवित्रता की राखी नहीं बांधते हैं। मातेले को तो निश्चय है कि हम तो स्वर्ग लेकर ही छोड़ेंगे। बाकी कोई कोई तो फेल होते हैं, कच्चे पक्के नंबर बार तो होते हैं। पक्के जो होंगे वह स्त्री बच्चों आदि सबको लेकर आएंगे, आप समान बनाएंगे। हंस बगुले तो इकट्ठे रह ना सके, बड़ी जिम्मेवारी है बाप के ऊपर। सबको पवित्र बनाना यह बाप का काम है, इसलिए बाप कहते हैं दोनों पहिया एक साथ चलो।
स्त्री और पति साथ साथ चलते तो गाड़ी ठीक चलती है। चलो हम दोनों पवित्रता का हथियाला बांधते हैं। अब हम पवित्र बन बाप से वर्षा जरूर लेंगे। वर्षा बाप ही देता है, तो ब्रह्मा के बच्चे बने तो भाई बहन हो गए। ब्रह्मा के बच्चे तो एक है ना, तो एक पिता की संतान होगी तो भाई बहन, फिर क्रिमिनल असॉल्ट हो ना सके, विकार में तो जा ना सके। यह ईश्वरीय लॉ कहता है। अभी बाप कहते हैं कि विष पीने से पिलाने की वृत्ति तोड़ देनी चाहिए, विष पीने पिलाने की दोनों की वृत्ति तोड़ देनी चाहिए। हम एक दो को ज्ञान अमृत पिलाएंगे, हम भी बाप से स्वर्ग का वर्षा लेंगे। सपूत बच्चों का काम है बाप का कहना मानना, जो नहीं मानते वह कपूत ही ठहरे। कपूत बच्चों को वर्षा देने में बाप जरूर आनाकानी करेंगे। तुम ब्राह्मण देवता बनने वाली हो तो तुम्हें अपनी स्त्री को भी ज्ञान अमृत पिलाना चाहिए। जैसे छोटे बच्चों को नाक पकड़कर दवाई पिलाई जाती है, स्त्री को कहो कि तुम मानती हो कि यह पति तुम्हारा गुरु ईश्वर है, तो जरूर हम तुम्हारी सदगति करेंगे ना। पुरुष तो झट स्त्री को आप समान बना सकते हैं, सकता है, स्त्री पुरुष को जल्दी नहीं बना सकेगी। इसलिए अबलाओं पर बहुत अत्याचार होते हैं, बच्चियों को बहुत मार खानी पड़ती है पवित्रता के लिए। तुम्हारी रक्षा गवर्नमेंट भी कर नहीं सकेगी, वह कहेगी कि हम तो कुछ नहीं कर सकते। बाप तो कहेंगे बच्चे श्रीमत पर चलो तो तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे, अगर कपूत बने तो वर्षा गवा देंगे। वहाँ लौकिक बाप से बच्चे हद का वर्षा लेते हैं और यहाँ सपूत बच्चे बेहद के बाप से वर्षा बेहद का लेते हैं। इसको कहा जाता है दुख धाम। यहाँ तो तुमको सोना भी नहीं पहनना है क्योंकि इस समय तुम बैगर हो। दूसरे जन्म में तुमको एकदम सोने के महल मिलते हैं, रत्न जड़ित महल होंगे। तुम जानते हो कि हम अब बाप से किस जन्म का वर्षा ले रहे हैं। भक्ति मार्ग में मैं सिर्फ भावना का फल देता हूँ, बाबा ही देते हैं, बाबा ही साक्षात्कार कराते हैं, यहाँ डायरेक्ट वहाँ इनडायरेक्ट। तो वह तो जानते नहीं कि श्री कृष्ण की आत्मा कहाँ है, गुरु नानक की आत्मा कहाँ है, तुम जानते हो। अब वो सब पुनर्जन्म लेते लेते तमो प्रधान बन गए हैं, वह भी सृष्टि चक्र के अंदर ही है। सबको तमो प्रधान बनना ही है, अंत में बाप आकर फिर सभी को वापस ले जाते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिकीलाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, सबका साथी सबका सहारा, मेरा हम सफर, मेरा हमदम, मेरा राज, मेरा बाबा, सब बातें बाबा को कहनी, बाबा से सुननी, बाबा की मत पर चलनी। आज धारणा के लिए मुख्य सार, पहला बाबा ने कहा अब पवित्रता का हथियाला बांधना है, देह अभिमान को छोड़ विकारी वृत्तियों को चेंज करना है, बाप की श्रीमत पर चल सपूत बच्चा बनना है, ज्ञान अमृत पीना और पिलाना है, स्वयं में ज्ञान की खुशबू धारण कर खुशबूदार फूल बनना है। आज का मीठी मीठी प्यारी प्यारी बाबा ने बहुत ही वरदाता विधाता ने वरदान दिया मीठा सा, यथार्थ याद और सेवा के डबल लॉक द्वारा निर्विघ्न रहने वाले फीलिंग प्रूफ भाव। माया के आने के जो भी दरवाजे हैं उन्हें याद और सेवा का डबल लॉक लगाओ। यदि याद में रहते और सेवा करते भी माया आती है तो जरूर याद अथवा सेवा में कोई कमी है। यथार्थ सेवा वह है जिसमें कोई भी स्वार्थ ना हो, क्योंकि यदि आप सेवा करते समय किसी लौकिक जीवन में किसी भी मनुष्य आत्मा से आपको मान चाहिए, सम्मान चाहिए, आपको उनके द्वारा अपने मान को बढ़ाने की चेष्टा रखेंगे, स्वार्थवश सेवा करेंगे कि मेरा 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 मान हो, मेरा नाम हो, मेरी शान बढ़े, तो फिर यह तो स्वार्थी सेवा है, निस्वार्थ सेवा नहीं है। निस्वार्थ सेवा नहीं तो लॉक ढीला है। आपको तो देने वाला जगत पिता है, विश्व विधाता है, सर्वशक्तिमान बाप है, हम आप
सब उसी से मांगते हैं, फिर उनसे लेकर आप क्या करेंगे, है ना। तो बाबा यही कहते, निस्वार्थ सेवा करनी है और याद भी शक्तिशाली चाहिए। ऐसा डबल लॉक हो तो निर्विघ्न बन जाएंगे, फिर क्यों क्या की व्यर्थ फीलिंग से परे फीलिंग प्रूफ आत्मा रहेंगे। स्लोगन आज का है, स्नेह और शक्ति का बैलेंस ही सफलता की अनुभूति कराता है। स्नेह और शक्ति का बैलेंस ही सफलता की अनुभूति कराता है। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, वास्तव में ज्ञान प्राप्त करना तो एक ही सेकंड का काम है, परंतु अगर मनुष्य एक सेकंड में समझ जाए तो उनके लिए एक ही सेकंड लगता है। सिर्फ अपने स्वधर्म को जान जावे कि मैं असल में शांत स्वरूप आत्मा हूँ और परमात्मा की संतान हूँ। अब यह समझना तो एक सेकंड की बात है, परंतु इसमें निश्चय करने में कोई हठ योग, कोई जप तप, कोई भी प्रकार का साधन करना कोई जरूरत नहीं है। बस सिर्फ ओरिजिनल अपने रूप को पकड़ो, बाकी हम जो इतना पुरुषार्थ कर रहे हैं वो किसके लिए। अब इस पर समझाया जाता है, हम जो इतना पुरुषार्थ कर रहे हैं वो सिर्फ इतनी बात पर ही आकर, इतनी बात पर ही कर रहे हैं। जैसे अपनी प्रैक्टिकल जीवन को बनाना है तो अपनी बॉडी कॉन्शियस से पूरा निकलना है, असल में सोल कॉन्शियस रूप में स्थित होने व इन दैवी गुणों को धारण करने में मेहनत अवश्य लगती है। इसमें हम हर समय हर कदम पर सावधान रहते हैं। अब जितना हम माया से सावधान रहेंगे तो भल कितनी भी घटनाएं सामने आएंगी मगर हमारा सामना नहीं कर सकेंगी। माया सामना तब करती है जब हम अपने आप को विस्मृत करते हैं। अब यह जो इतनी मार्जिन है सिर्फ प्रैक्टिकल लाइफ बनाने की है, बाकी ज्ञान तो सेकंड की बात है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया आप सभी का, शुक्रिया बाप दादा, शुक्रिया मातेश्वरी। गुड नाइट सभी को, ओम शांति।